हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं प्रदेश में जो 82.86% कॉपियों का मूल्यांकन, यानी कि मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट है 10वीं 12वीं का, उसकी जो डेट है वो घोषित हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ जो प्रयागराज प्रदेश के 75 में से 38 जिलों में यूपी बोर्ड की 22.66% उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। यूपी बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव के अनुसार प्रदेश के ग्रीन जोन वाले 20 जिलों में से 19 और ऑरेंज जोन में से 36 जिलों में से 19 अर्थात 38 जिलों में मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका जो मूल्यांकन यानी कि कॉपी जो है चेक हो रही थी दोस्तों, वे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि मई के अंत तक काम पूरा हो जाएगा दोस्तों। ये जो मई है, मई तक अब कंप्लीट होने वाला है और 5-6 दिन बचे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो जून में घोषित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जून के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। प्रदेश में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन पहले 16 एवं 17 मार्च को होने के बाद इस कोरोना संकट के चलते स्थगित कर दिया गया था। दोबारा मूल्यांकन का काम 5 मई से ग्रीन यानी कि 12 मई से ऑरेंज और 19 मई से रेड जोन वाले जिलों में शुरू हुआ था। यूपी बोर्ड सचिव के अनुसार उत्तर प्रदेश मतलब यानी कि प्रदेश के ग्रीन जोन में 63 में से 61, ऑरेंज जोन में से 133 में से 100 तथा रेड जोन में से 85, कुल मिलाकर 281 में से 162 केंद्रों में जो है मूल्यांकन जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जो कॉपियाँ आपकी चेक होनी थी वो 162 केंद्रों में कंप्लीट हो चुकी हैं। जिलों में मूल्यांकन का काम पूरा, यानी कि यूपी बोर्ड की उत्तर प्रदेश पुस्तिका को मूल्यांकन शनिवार को जिले के अग्रसेन इंटर कॉलेज में ख़त्म होने के साथ पूरा हो गया। इसके पहले 21 मई को कार्सवेट गर्ल्स इंटर कॉलेज, 22 मई को भारत स्काउट गाइड इंटर कॉलेज, कैपी इंटर कॉलेज, जगत तारण, ये मतलब कॉलेज के नाम है दोस्तों, जहाँ पर जो आपकी कॉपियाँ थी वो चेक हो रही थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपके साथ भाई यही बात शेयर करनी थी दोस्तों। आज जैसे ही आपका जो रिज़ल्ट है घोषित हो जाता है दोस्तों, आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना।